क्रिकेट फैन आमिर और मुस्तफा हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर भाई, क्या सूरत हाल है ये मैच की? सूरत हाल आप तो देख सकते हैं कि आज पाकिस्तान ने सबसे पहले बैटिंग की है, तो 200 कुछ का टारगेट दिया है, 83 का ना, 286 का, तो तकरीबन जो है मेरे हिसाब से 80% चांस है पाकिस्तान के जीत जाएगा। अभी तक तो यार एक विकेट भी नहीं गिरी नेदरलैंड की, अल्लाह करे आपके आपके मुंह में घी शक्कर। 20 स्कोर हुआ है ना अभी, तो आगे 100 के बाद विकेट गिरना, 50 से के बाद गिरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बॉलर भी अटैक करेंगे ना। अगर थोड़ी बहुत पाकिस्तान की चाहत आ गई कि आवाम पीछे देख रही है, नहीं तो जूते नहीं मारे, तो इसलिए यार ऐसी बात नहीं है, खेल में हार जीत होती है। मुस्तफा भाई, ये क्या परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की? छोटी टीमों से भी ऐसा लगता है कि हम ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, इंडिया से खेल रहे हैं, तो नेदरलैंड थी यार। आज मजा नहीं आया, आज बाबर आजम भी 5 रन करके आउट हो गए, इमामुल हक भी ऐसे आउट हो गए, फखर जमान भी स्ट्रेट हाथों में कैच दे दिया। कोई ऑस्ट्रेलियन टीम होती, कोई इंडिया की टीम होती। भाई की बात काटता हूँ, आपने भी कहा ना कि हार जीत होती है, हारो इस तरीके से कि फकर हो पाकिस्तान को, क्योंकि हार के जीती और हार के जीती, फाइट करके फाइट करनी चाहिए। बैटिंग भी कोई खास नहीं की पाकिस्तान ने, जो रिजल्ट देख रहे हैं आपके सामने है कि 20 स्कोर है, 5वां ओवर चल रहा है। मेरे हिसाब से मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ कि 80% चांस है पाकिस्तान जीते। अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, हम भी यही चाहते हैं ऑब्वियसली कि पाकिस्तान जीते, अल्लाह करे जीते। लेकिन अभी तक जो है वो शाहीन ने कोई विकेट नहीं ली, अल्लाह करे कि इस गेंद पे विकेट ले ले, देखते हैं क्या होता है। ओहो, लेकिन बैटिंग पिच है तो क्यों हम इतना मुश्किल बना देते हैं अपने लिए पाकिस्तान टीम में? क्या मिसिंग चीज क्या है? आपसे अगर मैं एक चीज की निशानदेही करूं यार, ये चीज जो है दूसरी टीमों में है और पाकिस्तान में नहीं है। क्या कॉम्बिनेशन नहीं है, बॉलिंग नहीं है, बैटिंग नहीं है, मसला है क्या? हमारे पास वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, हर चीज है हमारे पास, लेकिन मसला ये है कि प्रेशर ले लेते हैं। और नेदरलैंड से भी प्रेशर लेंगे क्या? प्रेशर नहीं तो इन्होंने फेल हो गए, इनकी बैटिंग लाइन हमेशा फेल होती है। जीत के ही पाकिस्तान जीत जाएगा मेरे भाई, हर जीत का हिस्सा, टेंशन नहीं लिया करते, बहुत ऑप्टिमिस्टिक भाई है हमारे और बहुत अच्छी बात है। और मुझे भी लग रहा है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत जाएगा, लेकिन जो कंडीशन दिख रही है, आपको पता है पाकिस्तान कौम और आवाम वो है कि कुछ भी कर सकती है। ये पूरी दुनिया में और वर्ल्ड में मशहूर है कि पाकिस्तान वाहिद एक मुल्क है कि जो जिससे सब डरते भी और कि कब किस टाइम कर जाए किसी को कोई नहीं पता। बिल्कुल, तो इसलिए हमें घबराने की जरूरत ही नहीं, हारो जीतो, जियो और जीने दो, तो इंशाल्लाह 80% चांस यही है कि जीत जाए। आपको सऊद शकील की बैटिंग कैसी लगी? मैंने उसकी देखी नहीं, क्यों झूठ बोलूं? तो बहरहाल मैंने आपको एक ही देखो कि फील्डिंग भी अभी चल रही है, अभी तो ये चौका लग गया है। चले देखते हैं, दुआ करते हैं कि पाकिस्तान मैच जीत जाए। और आपने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान की टीम कभी भी कुछ भी कर सकती है, ये पाकिस्तान की खासियत है, छोटी टीम से हार भी जाती है, बड़ी टीम से जीत भी जाती है। हारी ना तो फिर मैं आपको खिलाऊंगा, जीती तो फिर आप मिठाई खिलाओ। चले बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको, आप क्या खाएंगे अगर पाकिस्तान मिठाई खाएंगे और क्या खाएंगे, जलेबी खा लेंगे, गुलाब जामुन खा लेंगे। जाता है तो आप सामने तुर्की आइसक्रीम पे आ जाएंगे, ठीक है? पाकिस्तान अगर हार जाएगा तो तुर्की आइसक्रीम, और जीत जाएगा तो आप मुझसे कैश ले लीजिएगा। आप मैं बहुत दूर से आया हूँ, आप मुझसे कैश ले लीजिएगा। अभी तो पार्टी के से शुरू हुई है। नहीं बिल्कुल, आपका 5 ओवर है आपका, मैं इंशाल्लाह 45 पड़े हैं पूरे ओवर, तो अभी कुछ भी बॉल है ऐसे। अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीत जाए। और इंडिया का बताएं जरा यार, आपके इंडिया 14 तारीख को अहमदाबाद में नेदरलैंड से फंस रहा है पाकिस्तान, लेकिन इंडिया को नहीं छोड़ेगा, ये मेरा दिल कह रहा है। कौन, नेदरलैंड? नहीं, पाकिस्तान इंडिया को नहीं छोड़ेगा, भले नेदरलैंड से हार भी जाता है खुदा ना खास्ता। एक गेंद है ये, और पाकिस्तान आए ना, इंडिया की मजाल नहीं है कि वो जो 200 से ऊपर चली जाए। इंडिया की मजाल नहीं है जो 200 से ऊपर चली जाए। आपका कोई पाकिस्तान अगर आ जाए ना प्ली पे, तो फिर आपको पता है कुछ भी कर सकता है यार। ये तो बहुत मार रहा है अभी नेदरलैंड। नहीं, कोई तो... नहीं मार रहा, हौसला रख के चले, देखते हैं मैच खत्म होता है उसके बाद देखते हैं क्या नतीजा होता है। स्कोर कोई आसान नहीं है कि आप तो ऐसे करो, 2 चौके 6 लेके आप कह रहे हो एकदम टाइम लगेगा। सारी बातें छोड़ो, आप छालिया कौन सी खा रहे हो बताओ? छालिया तो बहुत महंगी हो गई है, यकीन करो कि आप सस्ती वाली खा रहे हैं। छालिया खाना छोड़ दो, अगर पाकिस्तान जीतेगा तो वादा करो छालिया खाना छोड़ दो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्रिकेट फैन बिलाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पीरजादा एंटरटेनमेंट पे। मैं आज आया हूँ पोर्ट ग्रैंड में, जहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है मैच की, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के। पाकिस्तान का स्टार्ट जो था वो बहुत ही सिंपल स्टार्ट था, बहुत ही कह सकते हैं कि बिलो पार था। फखर जमान भी नहीं चले एक बार फिर, इमाम भी नहीं चले, बाबर भी नहीं चल पाए, भला हो सऊद शकील का और रिजवान की पार्टनरशिप का 100 से जायद जो कुछ अच्छा टोटल इस पिच पे दे पाए। कैसे बिलाल साहब, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक। क्या हालात है, नेदरलैंड को हरा रहे हैं फिर हम? हालात क्या लग रहे हैं? हालात तो नहीं लग रहे, पर मे बी
लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो ही जाए। ये पाकिस्तान के साथ क्या है, बड़े टूर्नामेंट्स में जाके इस तरह की परफॉर्मेंस का आ जाना। मुझे याद है 92 में वकार यूनुस इंजर्ड हो गए थे, फिर 96 में वसीम अकरम नहीं खेले थे एक मैच, तो अभी नसीम शाह इंजर्ड हो गया, उसकी वजह से पूरा कॉम्बिनेशन हमारा खराब हो गया। क्या समझते हैं आपके नेदरलैंड के खिलाफ जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? यार ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। और सेकेंडली एक और चीज़ है कि अगर आपके पास फास्ट बॉलर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, मीन्स कि मोहम्मद आमिर था हमारे पास, एटलीस्ट उसको चांस देना चाहिए था। और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि यार अगर चलें गलतियाँ तो होती हैं, चलो यार उससे कोई मिस्टेक हुई या उसने बाबर आजम के खिलाफ कोई बात कर दी या एनी हाउ किसी भी टीम मेंबर के हवाले से कोई भी बात कर दी, ये चीज़ें हमारे मुल्क में नॉर्मल नहीं जानी चाहिए। क्योंकि हर जगह ये चीज़ हर किसी ऑफिस में भी अगर आप देखें ना तो वहाँ पर भी इस तरह के इशूज़ होते ही हैं। ठीक है, आमिर पॉलिटिक्स तो देखें हर जगह, तो आप एटलीस्ट उस बंदे को चांस देना चाहिए था जिनका आपको पता था कि यार वो ऑलरेडी एक इंटरनेशनल। और एक पाकिस्तान में क्या इतना पाकिस्तान में खला पैदा हो गया कि बॉलर ही नहीं है कि हम आमिर की तरफ दोबारा जा रहे हैं? हमारे पास तो धानी भी है, एहसानुल्लाह भी है, हसनैन भी है, तो हम पीछे आमिर की तरफ क्यों जा रहे हैं? आप अगर उसको चांस नहीं दे रहे तो आमिर के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आमिर आपको पता है कि यार ऑलरेडी एक्सपीरियंस उसका और इतना एक्सपीरियंस है कि वो ऑलरेडी बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस खेल चुका है। अगर खुदा ना करे कि नेदरलैंड जीत जाए तो फिर पाकिस्तान की टीम का फिर क्या होगा, क्या आप देखते हैं? अल्लाह हाफिज़। वेलकम सर, थैंक यू।